चुन रहे हैं उसे देखिए, परखिए और समझिए कि जो मेरा फ्यूचर है, जो मेरे बच्चों का फ्यूचर है, वो सिक्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है। या ऐसे ही हम किसी को वोट नहीं दे सकते, ये हम लोग का हक है और बहुत बड़ा हक है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और सही कैंडिडेट को ही चुने। वार्ड पार्षद के पद से, वार्ड नंबर 11 से खड़े हुए हैं। एजुकेशन में आपने ग्रेजुएशन लिखा है, क्या आप ग्रेजुएशन? जी जी, मेरा फाइनल हो चुका है। तो राजनीतिक में आने का क्या मकसद है आपका? राजनीतिक में आने का मकसद यही है कि जो हमारे वार्ड का माहौल है, इसमें शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नाम की कोई पहचान ही नहीं है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बड़े, किसी के पास एजुकेशन नहीं है। जो हमारे घर की माँ बहनें हैं, उनको पानी की बहुत समस्या है। किसी के घर में नल भी है, पानी का जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन पानी कहाँ निकलेगा? ना नाला है, कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से ट्यूबवेल रहने के बाद भी सबको जाना पड़ता है बाहर। इलेक्शन से पहले कोई भी कैंडिडेट हो, ये सब चीज़ ज़रूर दिखाते हैं, जनता आप पर कैसे भरोसा करे? जनता, इसलिए जनता ही हमको बोला है कि आप हमारी समस्या को हल कर सकते हैं। हमारे खड़े होने का मकसद ही है जनता, जनता ने आगे बढ़ाया है। आप एजुकेशन में कहीं ना कहीं आप अच्छा, और भी कैंडिडेट से एक योजना, जो भी हमारा हक है, वो जैसे भी होगा वो हर गरीब के घर तक पहुँचाना ही मकसद है। अगर जनता आपको चुनती है तो जो भी सरकार की तरफ से जो फंड आते हैं, तो आपका पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम मेरा रहेगा जो नाला का प्रॉब्लम है, जो नाला की दिक्कत है, जो सबसे बड़ा मसला यही है, पानी और नाला का मसला को ही ख़त्म करना है। जो सबसे पहला मेरा काम रहेगा वो नाला का ही रहेगा। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? ढोलक छाप। क्यों चुना? सबसे पहले हमारा वार्ड आता है। जब हम अपने वार्ड का विकास नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब वार्ड का विकास करेंगे, लोगों के दिल में आएगा कि जो वार्ड का विकास कर सकता है, फिर आगे वार्ड को भी हम देखेंगे। मुख्य समस्या आपके वार्ड में क्या क्या है? सबसे जो बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। गर्मी आते ही सबके नल का पानी, ट्यूबवेल का पानी चला जाता है। हर वार्ड में जो है नल आ गया, लेकिन हम लोग के मोहल्ले में जो मेन है, अभी तक नल नहीं आया है। जो नगर निगम में आने के बाद भी हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और शिक्षा, बच्चों में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। क्या लगता है, अगर जनता आपको चुनती है तो जो भी आपकी वार्ड की समस्या है उस पर आप खड़े उतरेंगे? जी बिल्कुल, हमारा मकसद ही यही है। अच्छा, ये बताइए कि लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, कितना दुलार प्यार आपको मिल रहा है? भरपूर प्यार मिल रहा है, लोगों ने ही हमें आगे बढ़ाया है। लोग हमें लेकर चुन रहे हैं, उसे देखिए, परखिए और समझिए कि जो मेरा फ्यूचर है, जो मेरे बच्चों का फ्यूचर है, वो सिक्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है। या ऐसे ही हम किसी को वोट नहीं दे सकते, ये हम लोग का हक है और बहुत बड़ा हक है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और सही कैंडिडेट को ही चुने। आपके वार्ड में काफ़ी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जैसे 10 कैंडिडेट लगभग है। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन कैंडिडेट किस स्थान पर है, लेकिन एक अपना उम्मीद और अपना जगह कहाँ देख रहे हैं? जो उम्मीद हमें जनता दिखा रही है, उसके हिसाब से हम काफ़ी आगे चल रहे हैं। बाकी जनता के ऊपर है, जो पता चलेगा वो 11 को ही पता चलेगा। लेकिन हमारा जो है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग का अच्छा पोजीशन अच्छा है।